न्यू होंडा एलिवेट या फिर होंडा क्रेटा, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट कार है, आपको कौन सी इसमें से परचेज करनी चाहिए, इस वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर लेंगे दोस्तों। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। मैं आपसे शेयर करने वाला एक शॉर्ट कंपैरिजन, येट वेरी डिटेल्ड कंपैरिजन, हर एक स्पीड के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से, तो ये है कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन। एलिवेट की जो लेंथ है वो 12 mm आपको ज़्यादा मिलेगी क्रेटा के कंपैरिजन में। जो विड्थ है वो दोनों की सेम दी गई है, जो है 1790 mm। बात करते हैं हाइट के बारे में, तो एलिवेट की हाइट जो है वो 1650 mm है, क्रेटा की है 1635 mm, यानी कि 15 mm कम। और एलिवेट का जो व्हील बेस है वो भी 40 mm से आपको ज़्यादा मिलेगा। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो ये है क्रेटा का बूट स्पेस जो है 433 liters, और ये है होंडा एलिवेट का बूट स्पेस जो है 458 liters का। इसके अलावा दोस्तों एलिवेट की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट आपको मिलती है, जो है 220 mm। क्रेटा की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो है 190 mm। टर्निंग रेडियस की बात करें तो एलिवेट का है 5.2 मीटर्स का, क्रेटा का थोड़ा ज़्यादा है जो है 5.3 मीटर्स का, तो एलिवेट का बेटर है। तो डायमेंशन वाइज एलिवेट जो है वो क्रेटा से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन क्या ये दिखने में भी बड़ी लगती है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों की जो फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे जो एलिवेट की लुक है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा बोल्ड लगती है, बहुत ही बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि एक माचो लुक ऑफर करती है। और क्रेटा भी अगर हम बाकी सबसे कंपेयर करें, सेल्टोस हो गई या फिर यहाँ पे ग्रैंड विटारा हो गई या फिर कुशाक टाइगन, उन सबसे क्रेटा भी काफ़ी बड़ी लगती है, एक बोल्ड लुक है इसकी और वाइडर लुक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ओवरऑल तो यहाँ पे होंडा एलिवेट का जो डिज़ाइन है ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा स्लीक है, एक प्रॉपर SUV वाला लुक है जो कि आपको क्रेटा में नहीं मिलता। सो एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको एलिवेट का ज़्यादा पसंद हो सकता है आपको क्रेटा का ज़्यादा पसंद हो, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में, सो ये है हुंडई क्रेटा के इंटीरियर्स और ये है होंडा एलिवेट के इंटीरियर्स। तो इंटीरियर्स दोनों के काफ़ी प्रीमियम आपको मिलते हैं। यहाँ पे एलिवेट में आपको ब्लैक एंड ब्राउन लेदर यूज़ करा गया जो कि थोड़ा लग्जरी टच ऐड करता है, वेरियस क्रेटा में यहाँ पे डुअल टोन ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन यूज़ करा गया। क्रेटा की जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, थोड़ा बहुत प्लास्टिक ज़्यादा यहाँ पे फील होता है अगर हम कंपेयर करें होंडा एलिवेट को, तो वहाँ पे थोड़ा लग्जरी ज़्यादा दिया गया। डैशबोर्ड पे भी लेदर फिनिश, डोर्स पे यहाँ पे डबल लेदर फिनिश दी गई है, तो होंडा एलिवेट का जो कैबिन है थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग्जरी टच ऑफर करता है। इसके अलावा बात करें विंडोज़ के बारे में, एयरीनेस के बारे में, तो वो आपको क्रेटा में ज़्यादा मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, होंडा एलिवेट में भी पैनोरामिक सनरूफ होनी चाहिए थी जो कि एक बहुत ही बड़ा मिस है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको लेदर सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में, तो स्पेस मैंने आपको बताया, यहाँ पे होंडा एलिवेट में भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, कैबिन एरी है, लेकिन क्रेटा का जो कैबिन है वो आपको और भी एरी मिलेगा, विंडोज़ और भी बड़ी साइज़ की मिलती हैं। और अब बात करते हैं कंफर्ट के बारे में, क्रेटा अभी तक अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट कंफर्ट ऑफर कर रही थी, क्या अभी भी ये बेस्ट है या फिर नहीं है? वेल, होंडा एलिवेट इसे काफी टफ कंपटीशन देता है। यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस दिया गया, क्रेटा की जो फ्रंट सीट्स हैं उसकी हाइट काफी अच्छी है, रियर सीट की भी हाइट काफी अच्छी है, एलिवेट में जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो ज्यादा दी गई है, लेकिन सीट्स की जो हाइट है वो थोड़ी सी आपको कम मिलती है। कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट्स में दोनों में ही गाड़ियों में इक्वल ऑलमोस्ट कंफर्ट मिल जाता है। आई फील क्रेटा में हल्का सा ज्यादा यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट ज्यादा दिया गया, बट ओवरऑल जो है वो 19-20 का ही फर्क है। रियर सीट की बात करें तो रियर सीट एलिवेट की भी काफी कंफर्टेबल आपको मिल जाएगी, बट क्रेटा में ज्यादा स्पेस मिलेगा और जो सीट्स हैं उसमें 3 लोग आराम से आई फील क्रेटा में बैठ सकते हैं। बट बाकी हम आपको बताएंगे इसके एक्चुअल टेस्ट ड्राइव रिव्यू में, जब दोनों गाड़ियों को हम साइड बाय साइड इन फ्लैश कंपेयर करेंगे। एंड दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इंजन ऑप्शन, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, आप देख सकते हैं होंडा एलिवेट में अवेलेबल है होंडा का ट्राई टेस्टेड एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड 1.5 लीटर 4-सिलेंडर IVTEC नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। क्रेटा में भी आपको 1.5 लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, बट आई ऑलरेडी फील कि एलिवेट का जो इंजन है वो वे बेटर है, हमने होंडा सिटी में इसे ऑलरेडी देख रखा है, तो वी कैन से स्ट्रेट अवे कि बेटर होगा इंजन। दोनों ही गाड़ियाँ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती हैं, यू कैन सी द पावर डिफरेंस। होंडा एलिवेट में 119 BHP ऑफ पावर अवेलेबल है, क्रेटा में आपको 113 BHP पावर मिलेगी। एलिवेट में टॉर्क है 145 mm का, क्रेटा में मिलता है 144 mm का। और एलिवेट में 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स एंड 7-speed CVT दिया गया है, क्रेटा में भी आपको 6-speed मैनुअल मिलता है, साथ में IVT मिलता है जो कि एक एडवांस वर्जन है CVT का। और यहाँ पे जो माइलेज है वो आपको एलिवेट की थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। आई फील कि होंडा एलिवेट में हाइब्रिड इंजन डेफिनेटली होना चाहिए था, एक बहुत बड़ा मिस है जो कि नहीं दिया गया। एंड नेक्स्ट अप गाइस, यहाँ पे डीजल इंजन आपको एलिवेट में कोई भी नहीं मिलता, क्रेटा में 1.5 लीटर 4-cylinder डीजल इंजन दिया गया विद मैनुअल गियरबॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। और अब फाइनली बात करते हैं गाइस फीचर्स के बारे में, पहले बात करते हैं कि दोनों गाड़ियों में आपको सेम फीचर्स कौन कौन से मिलेंगे, फिर बात करते हैं कि क्रेटा में कौन सा फीचर एक्स्ट्रा दिया गया, एलिवेट में कौन सा फीचर एक्स्ट्रा दिया गया। सो ये है कंप्लीट लिस्ट ऑफ कॉमन फीचर्स, दोनों में LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प अवेलेबल हैं,
दोनों में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर में एलईडी कैबिन लैंप, लेदर सीट्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। ऑल्दो क्रेटा में जो टॉप मॉडल है उसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता, वो मिड ट्रिम्स में ही दिया गया। साथ में कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी दोनों में ही अवेलेबल है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट एंड पैडल शिफ्टर्स। और अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि होंडा एलिवेट ऑफर करती है लेकिन क्रेटा में नहीं दिए गए। तो एलिवेट में गाइज यहाँ पे एलेक्सा कनेक्टिविटी दी गई है विद इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो आपको वॉइस कमांड कनेक्टिविटी मिल जाती है एलेक्सा के थ्रू। ऑल्सो घर बैठे आप एलेक्सा के थ्रू व्हीकल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, व्हीकल डेटा पूछ सकते हैं, व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं, तो सारे फीचर्स आप यहाँ पे एलेक्सा से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एलईडी फॉग लैंप्स अवेलेबल हैं। क्रेटा में आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। क्रेटा में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं दी गई, एलिवेट में आपको स्टीयरिंग व्हील में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिल जाती है विद द टिल्ट एडजस्टमेंट। और अब आते हैं क्रेटा के फीचर्स की तरफ जो कि यहाँ पे एलिवेट में अवेलेबल नहीं है। तो क्रेटा में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, बोस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विच इज मच सुपीरियर, साथ में एयर प्यूरीफायर मिल जाता है विद परफ्यूम डिफ्यूजर, कूल ग्लव बॉक्स, रियर रिक्लाइनेबल सीट जो कि ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, रियर सनशेड, पावर ड्राइवर साइड सीट यानी कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर साइड सीट में मिलेगी, एलिवेट की टॉप मॉडल में नहीं दी गई। साथ में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स भी अवेलेबल नहीं एलिवेट में, और आपको एम्बिएंट लाइट भी नहीं मिलती एलिवेट में। और अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो ये है कॉमन सेफ्टी फीचर जो कि दोनों में अवेलेबल हैं, जो है 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रियर कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटो डिमिंग IRVM एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एलिवेट के यूनिक सेफ्टी फीचर्स की बात करें जो कि क्रेटा में नहीं दिए गए, तो वो है लेन वॉच कैमरा, ADAS लेवल 2 जो है लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जो कि बहुत ही काम आता है। तो ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि क्रेटा से इसे मच बेटर पैकेज बनाते हैं अगर आपकी ज़्यादा ड्राइव जो है वो हाईवे पे है। एंड नेक्स्ट अप क्रेटा में जो सेफ्टी फीचर मिलते हैं एक्स्ट्रा जो कि एलिवेट में नहीं दिए गए वो हैं दो। फर्स्ट है ऑल फोर डिस्क ब्रेक, एलिवेट में सिर्फ फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है, यहाँ पे ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स हैं। सेकेंड फीचर है गाइस क्रेटा का इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस डिफरेंस के बारे में। तो क्रेटा का आप एक शोरूम प्राइस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और ये है एलिवेट का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस। जो एलिवेट का टॉप मॉडल है वो स्लाइटली ज़्यादा कम प्राइस होगा कम्पेयर टू होंडा क्रेटा, सो वी आर एक्सपेक्टिंग जो प्राइस एलिवेट का काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा जाएगा। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ऑल्सो जो एलिवेट है उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको क्रेटा से बेटर मिलेगी, इंजन थोड़ा ज़्यादा आपको रिफाइंड मिलता है, बेटर मिलता है, पेट्रोल ज़्यादा फन टू ड्राइव है अगर दोनों के पेट्रोल को कंपेयर करो। वट आर योर थाट्स गाइज, इन दोनों में से आप कौन सा परचेज करना प्रेफर करेंगे, एंड मेरे को उसका रीज़न भी आप ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइज। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।